हाय स्टूडेंट, बीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में फाइल डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के बारे में कि फाइल डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड होता क्या है और एमएस एक्सेस में कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो देखिए, इसके लिए सोचल एक डाटाबेस बनाते हैं जिसे आसानी तरीके से समझ में आ सके। तो सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया, एक डाटाबेस बनाया और इसके कुछ हेडिंग हम दे देते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे आईडी, क्या लिखा है आईडी, और आईडी लिखने बाद से मैंने चलो ऑटो नंबर ही कर दिया इसको, अपने आप ऑटोमेटिक नंबर आया। और यहाँ पे लिख दिया क्या, स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया क्या कोर्स, अब ज्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा डाटा हमको बनाना है। और इसको राइट क्लिक करके क्या किया हमने, सेव किया, डाटाबेस फीड पे आऊंगा और मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर दिया और टैब बटन दबा के नाम लिखेंगे। हमने लिखा रोहन, कोर्स से मान लीजिए इनका DCA। यहाँ पे अगला क्या, दूसरा नंबर यह है रितेश, इनका कोर्स है DFA। फिर से यहाँ पे टैब बटन दबाते हैं, यह है संदीप, इनका कोर्स है टैली। फिर से टैब बटन दबाते हैं, उसके बाद से यहाँ पे है रुपेश और इनका कोर्स है CCC। फिर टैब बटन दबाते हैं, यह है रोहन और इनका कोर्स भी है DCA। और फिर से मैं यहाँ पर टैब बटन दबाता हूँ और यह है रितेश और इनका कोर्स है ADCA। बस मैंने इतना डाटाबेस बना दिया। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पर हम काम कर रहे हैं और काम करते हुए कोई डाटाबेस बना दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता जिससे हम लोग यह आइडेंटिफाई कर सके, चेक कर सके कि एक ही नाम, मतलब एक ही स्टूडेंट नेम, जो स्टूडेंट नेम जो दिया है रोहन 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 या रितेश रितेश रितेश, वह एक ही नाम कितना बार आया है, ठीक है ना, या एक ही कोर्स कितना बार आया है, या कितने लोग इस कोर्स को कर रहे हैं। तो अगर आपको यह पता करना हो तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करना है आपको कि 100 लोग का डाटा हमने बना दिया, उसमें से हमको पता करना है कि कितने लोग का कितना नेम बार बार रिपीट हुआ या कौन सा कोर्स बार बार रिपीट हुआ है, वो आपको संख्या ज्ञात करना है। जैसे रोहन कितना बार है, एक दो, रितेश कितना बार है, एक दो, लेकिन इसका आईडी क्या है, टू, इसका आईडी क्या है, मतलब एक बड़ा सा डाटाबेस बनाया है। अब उसमें किसी पार्टिकुलर हेडिंग के हिसाब से अगर हमको डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड करना है कि वो कितना बार इससे रिलेटेड डाटा बनाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसका, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। ये डिटेल नहीं दिखाता है, नंबर बताता है वो कितना बार रिपीट हुआ है, मतलब DCA कोर्स कितना बार रिपीट हुआ है, राहुल लेम कितना बार रिपीट हुआ है, संदीप कितना बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। मतलब नाम से ही पता चलता है कि फाइंड करता है किसको, डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन ये डिटेल के साथ नहीं दिखाता है, ये नंबरिंग के साथ दिखाता है, ठीक है ना, कि कौन कितना बार, ठीक है, या उसका आईडी क्या क्या है, जो डुप्लीकेट हुआ उसका आईडी क्या है, या वह कितना बार नाम रिपीट हुआ। तो ऐसे चेक करना हो तो वहां पे फाइंड डुप्लीकेट वैल्यू क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करते। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ तो और भी अच्छे समय आएगा। तो डाटा भी मान लो और ज्यादा रहता और भी अच्छा आता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने 4-5 लोगों को बना दिया जिससे आपको समझ में आ सके और मैंने आपको दिखा भी दिया। अब इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज, कर दिया क्लोज। अब आएंगे कहाँ पे, क्रिएट, और क्रिएट में आने वाले से क्वेरी विजार्ड पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, क्वेरी विजार्ड पे आ जाएंगे। और क्वेरी विजार्ड पे आने के बाद से यहाँ पे दिया है सिंपल क्वेरी विजार्ड,
क्रॉस स्टेप क्यूरी वीजा क्या इस्तेमाल करना है हम लोग को, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी वीजा बोलो। बस यहाँ पे क्लिक कर दी, अब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करते ही यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जितने टेबल आएंगे सब शो होंगे। तो कितना टेबल है इसमें, ए। बस कर दिया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते ही हमें पूछा जाता है आईडी चेक करना है कि कितना बार आया वही आईडी, या स्टूडेंट ने या को। तो आईडी तो सबका यूनिक है ना जी, क्योंकि ऑटोमेटिक नंबर आया 1 2 3 4 5, तो ये बताने का कोई मतलब ही नहीं है। वन 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 आएगा ठीक है, नाम में हो सकता है और कोर्स में भी हो सकता है, मतलब आप लोग अनुमान लगा सकते हो ना, ये तो नाम में हो सकता है या तो कोर्स में हो सकता है। चलो पहले नाम की सबसे चेक करना चाहते हैं, आ जाएंगे स्टूडेंट नेम में, कर देंगे नेक्स्ट। अब फिर से नेक्स्ट नहीं करना है आपको यहाँ से, तो कहेगा इसके हिसाब से खोजेगा, तभी नहीं चाहता हूं, बस कर दूंगा नेक्स्ट। और फिर से नेक्स्ट फिनिश, देखो बता दूं, मतलब उतने डाटा में से दो डुप्लीकेट वैल्यू है, कौन कौन, रितेश और रोहन। तो रितेश कितना बार, दो बार कर नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है डाटा। और रोहन कितने बार, बिल्कुल दो बार बता दिया ना, मतलब यह नाम दो बार है और यह नाम भी दो बार है, तो कितना हो बड़ा सा डाटा बेस हो तुरंत एक बार में गिन के पता कर सकते हैं कि यह नाम कितना बार है, बोलो हो जाएगा ना। तो आप आसानी तरीके से ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो हम आते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे, क्लोज कर देते और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते, और फिर से आ जाता है क्यूरी विजार्ड पे, और यहाँ पे फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड ओके। और उसके बाद से टेबल को सेलेक्ट किया, इस बार कोर्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कोर्स। कोर्स लेने के बाद से क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। बस डीसीए डुप्लीकेट हुआ है, दो बार आया है। अब उधर कई से देख लो, सारे कोर्स देखो अलग अलग है, बस डीसीए डीसीए। फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको, फिर से बनाना पड़ेगा जी, समझे। जैसे मान लिया यहाँ पे आ गया, यह दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हमारा ये बिल्कुल क्या, फिर से बनाना पड़ेगा हमको, वैसे ही नॉर्मल करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे आ जाता हूँ यहाँ पे, टैब बटन दबाता हूँ, फिर तुमको ऐड किया था तो वह यहाँ पे मान लो, फिर से ले लेता हूँ रोहन, कोर्स ले लेता हूँ डीसीए, ठीक है, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा, तो आ जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो क्यूरी चला देंगे। चलो देख लेते हैं, टू है और रिफ्रेश करते हैं, ओके समझा। तो आप ऐसे आसानी तरीके से काम कर सकते हैं, सिंपल तरीका है, ठीक है। तो चलिए स्टेप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग नेक्स्ट समझने वाले हैं क्यूरी के बारे में, वो पढ़ने वाले हैं फाइंड अनमैच क्यूरी विजार्ड। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि फाइंड अनमैच क्यूरी विजार्ड मतलब क्या करता है, कि कोई डाटाबेस है उसमें अनमैच रिकॉर्ड को खोजना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड अनमैच क्यूरी विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हमने आपको कोई कंडीशन दे दिया कि ध्यान दो बाबू, जो इस क्लास में, ध्यान देना, इस क्लास में 10 स्टूडेंट जो है, जाके देखो दूसरे क्लास में सेम यही स्टूडेंट है कि नहीं, या इस क्लास में जो 10 लोग का नाम चलता है, ठीक है, पुष्कर सर के बैच में ही 10 लोग का नाम चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि दोनों लोग पढ़ते हैं दोनों में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि दोनों लोगों का नाम है कि नहीं, और नहीं है तो किसका और मैच, जिसका नाम उसमें नहीं गया, ठीक है, छूट गया वो डाटा। तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं अनमैच क्यूरी भी जानते हैं। जैसे तो टेबल बनाता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा आपको, तो पहले आ जाता हूँ क्रिएट में और एक टेबल बना लेता हूँ। तो सपोज मुझे डाटा जब मिला था, ध्यान से सुनना, तो पहले महीने में जो मिला था हमको डाटा, वो मिला था कुछ इतना, मिला था नेम, क्या बाबू, स्टूडेंट नेम मान लो,
टैक्स। उसके बाद से हमें मिला था इनका एड्रेस, और उसके बाद से बस मिला था इनका कोर्स, हो गया, बस इनको सेव कर दिया। फिर से मान लो हमारे एडमिशन करा ली, तो मैंने इनका एड्रेस पूछा, नाम पूछा, और स्टूडेंट नेम रह गया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बोला चलो अभी थोड़ा कुछ टाइम लगेगा, तब आपका मैं रजिस्ट्रेशन नंबर बता सकता हूँ, ठीक है, या और भी डिटेल में आपका दे सकता हूँ, आपका स्टेटस। तो मान लो कहीं काम कर रहे थे हम लोग, तो वहां पे हमको डाटाबेस स्टूडेंट का मिल गया, एड्रेस मिल गया, कोर्स मिल गया, उसके बाद वाला डाटा, ठीक है, 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मिला, तो बोला या नहीं आज इतना डाटा एक टेबल में बना दीजिए, समझे। और कल जो इसी से संबंधित जो डाटा मिलेगा वो किसी दूसरे टेबल में बनाइए, या कोई बात नहीं, इस महीने में जितना रिकॉर्ड था वो आपने कर लिया, फिर से जो नाम इस महीने में चल रहा है तो आप तो अगले महीने में लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, जाएंगे क्योंकि रिकॉर्ड उससे मैच कराना है, उससे रिलेटेड इस्तेमाल करना है। मान लो आज हमारे यहाँ 10 इंप्लाई काम कर रहे थे, तो अगले महीने में भी 10 ही थे, कोई इंप्लाई गया नहीं था, किसी को मैंने छुट्टी नहीं किया था, तो अगले महीने में 10ों का डाटा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो गलती से देखते हो आप लोग किस महीने में 10 लोगों का रिकॉर्ड हम बनाए थे, और अगले महीने जो रिकॉर्ड वही बनाने गए थे तो पता चला गलती से 1 लोगों का डाटा ही छूट गया, तब तो हमारा सर नंबर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, हमारा अटेंडेंस ही नहीं बोला जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन आ गया था जिसे हम देख नहीं पाए और उसका रिकॉर्ड छूट जाता है, तो बाद में पता चलता है ये रिकॉर्ड छूट गया अगले महीने में, फिर से नाम हमको ऐड करना पड़ता है। तो वैसे हम मान लो पहले महीने जो रिकॉर्ड बनाया है फिर से वही रिकॉर्ड किसमें ले जाना है, दूसरे महीने, तो पहले महीने बना दिया, फिर से दूसरे महीने में बना दिया, लेकिन जब दूसरे महीने बनाया ना तो पता नहीं किस कारणवश 1-2 लोगों का डाटा हमने छोड़ दिया, और लगभग लाखों लोगों का डाटा हमने बनाया है, तो आप तो उसमें तो खोजते तो रह जाओगे कि किसका नाम हमारा छूटा हुआ है, राहुल का, रोहन का, रवीश का, सुरेश का, बोलो। तो ऐसे कंडीशन में अनमैच बहुत अच्छे से काम करेगा, तो दोनों से मैच कर लेगा कि कौन सा ऐसा जो नाम है जो पहले शीट में तो है और दूसरे शीट में नहीं है, तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो रोहन थे पहले में थे और दूसरे वाले में नहीं है, तो हम यहाँ डिसाइड कर लेंगे क्यों नहीं है, तो नाम कोई डिलीट हमने किया नहीं, कोई इम्प्लाई को मैंने वापस किया नहीं, सारे वही इम्प्लाई काम करे तो डाटा कहाँ से कम हो गया, बोलो। लेकिन अगर मान लो 2-4 लोग को निकाला है तो नाम हमारे पास रहेगा ना, तो उसको भी अनमैच करके देख सकते हैं कि यह जो डाटा इसमें है उसमें है कि नहीं, और है तो क्यों है जब उसको मैंने हटा दिया है, तो ऐसे कंडीशन में बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलो मैंने इतना बनाया, और बनाने के बाद क्या किया हमने, सेव कर दिया और डाटा शीट व्यू पे आ गए, और लिख दिया क्या, रोहन, और एड्रेस में पढ़ रहा हूं ना, कोर्स में डीसी, उसके बाद से थे रितेश, कहाँ के थे, कसे, कोर्स कौन सा था, टेल, फिर से यहाँ पे मान लो एक थे बस सुरेश, और यह है राम कोलम, कोर्स क्या था, एडीसी। ये पहले टेबल में हम डाटा बना दिए, फिर से मान लो ये जो नाम चल रहा है तो अगले इस महीने में अटेंडेंस बोल रहे हैं, बोल ही रहे हैं, फिर से अगले महीने में इनका बोलना है हमको, ऐसा तो नहीं कोर्स खत्म हो गया, जब कोर्स होगा तो नाम हटा देंगे अगले महीने में, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं था, मैं जल्दीबाजी में क्या किया था, अगले महीने में नाम लेके जाना था, तो जब दूसरा टेबल हमने बनाया जब दूसरा टेबल बनाया तो यहाँ पे लिखा क्या, स्टूडेंट नेम, शॉर्ट टेक्स, और उसके बाद हमने यहाँ पे बना दिया मान लो इनका स्टेट, हो सकता है ना, यह आ सकता है दूसरे टेबल में, स्टेट भी है, उसके बाद से शॉर्ट टेक्स, उसके बाद से क्या है, तो ज्यादा डाटा नहीं है, बस सेव कर दिया, राइट क्लिक करके क्लोज कर दिया, और तीसरे पे आ गए, फिर से क्या लिखा हमने, रोहन, स्टेट क्या है, यूपी, समझे। फिर से दूसरे टेबल में आया क्या लिखा, तो पहले टेबल में तो देखना पड़ेगा क्या क्या था ना, रितेश रोहन सुरेश है ना, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, लिख देते हैं रितेश, इनका स्टेट है बिहार,
और यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं माल। हमसे हमारा मालिक कहा था बाबू नहीं, 100 लोग इसमें 100 लोग उसमें भी होने चाहिए, इस महीने में जितने लोग का रिकॉर्ड अगले महीने में उतने लोग का होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, अब मुझे चेक करना रियल में गया है कि नहीं। एक दो तरीका, पहला दूसरा टेबल पढ़ो, रितेश रोहन सुरेश तो कम डाटा है, तो यहाँ पे देख लिया कि रितेश रोहन सुरेश छूटा है। लेकिन अगर मान लो यही 200 100 50 बना हो तब तो खोजेंगे ना जी, दिक्कत होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप इसका इस्तेमाल करो, क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, और आ जाओ कहाँ पे, क्रिएट पे, और आ जाते हैं क्यूरी विजार्ड, और आ जाते हैं कहाँ पे, फाइनल मैच क्यूरी विजार्ड। ओके, अब पूछ रहा है कि टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, सर बोला टेबल 2 नेक्स्ट। दिख ना आपको, अब फिर से देखो यहाँ पे किससे किसको मैच कराना है, बताना पड़ेगा आपको ना, बोलो। तो यहाँ जब नेक्स्ट करेंगे देखो यहाँ पे बहुत आएगा, यहाँ पे किससे किसको मैच कराना था, टेबल 1 2 है, टेबल 2 है, बैक आता है, किससे मैच कराना है, 3 से। अब यहाँ पे पॉइंट बता रहा है तो स्टूडेंट नेम से मैच कराना उनको, दोनों दोनों सेलेक्टेड है ना, देखो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे दोनों। ठीक है, सेलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो देखो स्टूडेंट नेम से स्टूडेंट नेम, किसी को मैच कराना है, देखिए गया कि नहीं गया है, बस कर देंगे नेक्स्ट। और अवेलेबल फील्ड सेलेक्ट फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिखाना है, तो जैसे की बात है मैच कराना था, एड्रेस भी चेक करके दिखा दो या कोर्स भी दिखा दो आपके हिसाब से, या नंबरिंग बता देगा। तो चलिए आते हैं, सेलेक्ट फील्ड ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। रामखोला वाला दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने वहां पे देखा है, एड्रेस ले लिया है ना, लेकिन मैं यहाँ पे नाम से मैच करा दूँ, तो नाम ले लेते हैं बस, क्योंकि इसकी सब नहीं चेक करना, इसीलिए डिलीट क्वेरी क्लिक, नाम से मैं नाम को केवल मैच कराना है और कुछ नहीं। टेबल 2 नेक्स्ट, टेबल 3 नेक्स्ट, और स्टूडेंट से स्टूडेंट नेम नेक्स्ट करना है, पहले से ही हमारा स्टूडेंट नेम। अब सुरेश का जो डाटा है ना वो दूसरे टेबल में नहीं है, नहीं तीसरे में नहीं। हाँ बोलो, हम भगा दिए क्या, क्या हो गया, तो रिपोर्ट चेक करेंगे ना, अच्छा इसको तो खदेड़ दिए थे हम, ठीक है, इसका तो मालूम कोर्स खत्म हो गया था इसीलिए नहीं आया, समझे। ऐसे कंडीशन इस्तेमाल करते हैं अनमैच फाइंड अनमैच क्यूरी विजार्ड का, कर लोगे। अब चलो, अब मुझे रखना नहीं, सुरेश को रखना है, तो क्या करेंगे, दौड़े दौड़े आएंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या, सुरेश छूटना नहीं चाहिए, अभी यूपी के हैं, अब बताओ, सेव कर दे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके क्लोज, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोज, और इसको राइट क्लिक करके डिलीट। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से, कहाँ होगा रिफ्रेश, खाली रिफ्रेश है यार, लास्ट में जो काम करते उसके हिसाब से काम करेगा। फिर से यहाँ पे फाइनल मैच कर देते हैं ना, फिर से ओके करते हैं, फिर से बता रहा हूँ इसके लिए, टेबल 2 नेक्स्ट, 3 नेक्स्ट, और स्टूडेंट नेम पे क्लिक करके बीच में क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, अवेलेबल फील्ड नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। समझे, चलो एक टेबल में कहीं डिलीट कर दे, देखो काम कर रहा है यहाँ पे, रिफ्रेश हो लिया, सेलेक्ट करके डिलीट वाला ऑप्शन दिया, हो गया, राइट क्लिक करके सेव। यहाँ पे आ जाते हैं, होम में आते हैं, नहीं काम हो, इसलिए लगाना पड़ेगा।